निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोला बाबा 25 साल हो गए शादी के, रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा, मैं बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, क्या करूं। बाबा ने कहा कभी पत्नी के हाथ के बनाए खाने की तारीफ की है? बोले बाबा तारीफ तो नहीं की, बस बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। और उसे ज्ञान मिल गया तो ज्ञान लेके वो घर आया, पत्नी ने खाना रख दिया, एक टुकड़ा लिया, पहले कौर पे ही तारीफ शुरू, वाह वाह क्या खाना है, क्या स्वाद है, क्या पराठे हैं, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया, जन्नत का मजा आ गया। पत्नी थोड़ी देर सुनती रही, फिर अंदर से बेलन लाई और 8-10 खोपड़ी पे मारे और बोली बेवकूफ आदमी, 25 साल से टुकड़े डाल रही हूं तेरे को, आज तक तारीफ का एक शब्द नहीं निकला, आज पड़ोसन ने दो पराठे क्या भिजवा दिए। अरे क्या तेरे को जन्नत का मजा आ गया। ये बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये बाबाओं के चक्कर में ही बर्बाद हुआ। हाँ पहले पता करो, मैं तो घर गया खाना खा रहा, अब मैं खाना खाने लग गया तो मैंने कहा पत्नी से लगता है आज खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है। बोले हाँ आपको कैसे पता चला? मैंने कहा रोज खाने में काला बाल आता था, आज सफेद बाल आया। पता करो पहले, उसके बाद खाओ।